अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। टाइटल से आपको आईडिया हो गया, आज की वीडियो है दराज ऐप के ऊपर। मैंने दराज से कुछ वायरल प्रोडक्ट्स मंगवाए थे। उफ, काफी भारी डब्बा है। ओके जी, यहाँ पे देख लें, दराज आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ। तो मैंने दराज से कुछ वायरल प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, वो प्रोडक्ट्स सारे मैं आपको भी दिखाती हूँ। और इसके अलावा ये बताऊंगी प्रोडक्ट सही निकले कि नहीं निकले। काफी सारे ब्लॉगर्स हमारे फेमस दराज के ऊपर वीडियो बना रहे थे। मैंने बोला मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी वीडियो बनाती हूँ। वैसे भी दराज की 11-11 सेल आने वाली है, और आप सबको पता है दराज पे आपको दुनिया जहान की हर चीज मिलती है। मेरे जितने भी वायरल वीडियोज है आप सबको पता है, उसमें आपको बकायदा पैकिंग दिखाती थी कि ये सामान मैंने दराज से मंगवाया और चाइना से शिप होकर मुझे आया, क्योंकि वायरल प्रोडक्ट्स थे, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थे। चाइना से दराज शिप करता था पाकिस्तान, और फिर मेरे पास वो प्रोडक्ट आते थे। कोई कस्टम नहीं पड़ता था मुझे, और सही सलामत प्रोडक्ट मुझे रिसीव होते थे, और प्राइजेस भी मुनासिब होती थी। और एप स्क्रीन पर दराज के प्राइजेस बहुत बहुत मुनासिब है। वो चीजें जो हमें दराज से मिल रही होती है, आप सब लोग भी बोलते हो अक्सर वीडियो के नीचे कि आप ये चीज आपने इतनी महंगी खरीदी दराज पे, ये चीज इतनी कम प्राइजेस में। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को पता होगा दराज पे सारी चीजें अवेलेबल है। टंटना चकला वेलन ये कॉफी टेबल है, इसको मैं अभी आपके सामने असेंबल करती हूँ, बल्कि वकास को बुला लेती हूँ हेल्प के लिए। ओके भाई, तो मैंने वकास को बुलाया, विकी मुझे कॉफी टेबल है असेंबल करना है। इसके अंदर बस ये पे एक आप करो ना, एक मैं करती हूँ, मैं दिखाती हूँ। साथ साथ एक मैं ना कर दूँ, कितना आसान है इसको लगाना यार। गाना सुना कौन सा? तुम जैसे सहारा, बदतमीज। ये देखें जी, हमारा कॉफी टेबल असेंबल हो गया, और आप देखें कितना अच्छा लग रहा है। इसको किसी भी कॉर्नर पर रख के इसके ऊपर खूबसूरत सी डेकोरेशन कर सकते हो। मैं भी इसको रखती हूँ किसी भी कॉर्नर पर, बिल्कुल सही सलामत रिसीव हुआ है, कहीं से भी कोई चीज टूटी हुई रिसीव नहीं। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं इसको भी कॉर्नर में रखूंगी, इसके ऊपर डेकोरेशन करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। ये देखें जी, इसको मैंने बेड के कॉर्नर पर रख दिया, और आप देख लें कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इस पे और भी चीजें रख सकते हो, इसको आप अपने ड्राइंग रूम में, टीवी लाउंज में, जहां आपका दिल करता है आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बहुत ही प्यारा लगता है, जगह भी नहीं घेरता, और बहुत ही क्लासी लग रहा है माशाल्लाह। तो दूसरी चीज मैंने मंगवाई थी वो है ये टच लैंप पोर्टेबल स्पीकर। आप लोगों ने भी इसके काफी वीडियोस देखे होंगे। ये ब्लूटूथ स्पीकर है, कनेक्ट होता है, सॉन्ग्स वगैरह चला सकते हो, साथ में टच लैंप है। आप ऐसे करोगे इसकी लाइटें चेंज होंगी। अभी ये चार्ज नहीं है तो मैं इसलिए आपको चला के नहीं दिखा रही, बाकी ये इस तरीके का है, छोटा सा चार्जिंग होती है इसकी, और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे इसके बटन है, यूएसबी लगा सकते हो, आप ऊपर इसका स्पीकर जैसे आवाज आती है। लेकिन मैं इसकी सैंपल वीडियो साइड पे चला दूंगी, आप लोग वो देख लेना, बाकी इसका लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप इसको बाय कर सकते हो। इसकी सैंपल वीडियो चला रही हूँ, साथ में किसी ने लिया था तो उसकी यूज कर लेंगे वीडियो, ताकि आपको आइडिया हो जाए चल कैसा था, क्योंकि मेरा जो है वो भी चार्ज नहीं है। उसके बाद जो चीज मैंने मंगवाई थी वो है ये टिश्यू बॉक्स भी है, और ऑर्गेनाइजर भी हमारा आपको नजर आ रहा है। मैंने इसका शॉपर भी नहीं खोला था, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं चीजें, उसके बाद जो इसके शॉपर वगैरह खोलूंगी। ये देखें इस तरीके से है, आप इसके अंदर अपने टिश्यू बॉक्स टिश्यू रख सकते हो यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे जो है आप अपने पेन वगैरह या कोई लिपस्टिक या कोई चीज रख सकते हो। देखें कितना कूल है ये, और आप इसको जो सेंटर टेबल होता है हमारा, या जो कॉर्नर टेबल्स होते हैं सोफे के, मैंने उसी लिए मंगवाया था, तो आप वहां पर रख सकते हो इसको। टिश्यू का टिश्यू यूज हो जाएगा हमारा, और ऑर्गेनाइजर का ऑर्गेनाइजर यूज हो जाएगा। कितने कमाल की चीज है, और इसका जो ये जो वुडन टच दे रहा है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसकी प्राइस इतनी कम है, मैं लिंक्स लगाऊंगी, आप लोग देखना, आप खुद हैरान जाओगे। काफी इतना सस्ता तो दराज से मिला, इतना सस्ता आप किसी और ऐप से लोगे आपको काफी महंगा मिलेगा, आप लोगों को खुद भी आइडिया है। तो ये प्योर ना वुड का बना हुआ, प्लास्टिक का नहीं बना हुआ, तो ये काफी क्लासी लगा था मुझे, तो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया अपने नए घर के लिए। मेरे बच्चे पहले बोलते हैं हर चीज नए घर के लिए मंगवाई है मामा आपने, तो ये भी घर के लिए मंगवाया था मैंने। अपनी चीज मेरे पास है वो है ये वैनिटी लाइट्स, और ये काफी फेमस है, आप सबको पता है, ये सब लोग अपने अपने घर में यूज करते हैं इसको, वैनिटी के इर्द-गिर्द यूज करते हैं। मुझे काफी पेजेस से ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रही थी, दराज में बहुत ही मुनासिब लगी हुई थी। मैं इसका भी लिंक लगा दूं, क्योंकि ये लड़कियां तो बहुत इसको शौक से यूज करती हैं, अपने मिरर पर लगाती है मेकअप वगैरह करने के लिए, और बहुत ही अच्छी लाइट देती है ये आपको। मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने इसको खोल लिया बॉक्स को, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैनिटी मिरर लाइट्स, और ये इस तरह की पैकिंग में होती है। मैं ना आपको हाथ में लेके चला के दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा शीशा जो है वो फिक्स नहीं हुआ, जैसे शीशा फिक्स होगा मैं आपको चला के दिखा दूंगी। इसके अंदर सेटिंग्स होती है, ये देखें कितनी अच्छी क्वालिटी की, आप इसकी वायर चेक करें कितनी अच्छी है। एडॉप्टर आपको अपना यूज करना पड़ता है इसके साथ। इसके अंदर सेटिंग है, एक बटन इसका ऑन ऑफ का, फिर वार्म कूल और हाई और लो की सेटिंग होती है इसके अंदर, और साथ में इसके स्टिकर्स होते हैं जिससे आप इसको लगा सकते हो। ये देखें इसके पीछे जो है वो स्टिकर्स लगे हुए हैं, आप इसको हटा के अपने शीशे पे इसको डायरेक्ट चिपका सकते हो। ये बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल। तो जो जो वैनिटी लाइट्स लेना चाहता है और कम प्राइस में लेना चाहता है, तो वो दराज से बाय करे जाके, इनको मैं आपको इसको ऑन करके दिखाती हूँ। ठीक है, कनेक्ट कर लिया। इसकी वायर देखेंगे इतनी लंबी है, अभी मैंने नीचे डॉक्टर के साथ लगाया हुआ, और साथ में ये इसकी वायर है, यहाँ से आप इसको ऐसे ऑन करोगे और कितनी, ये देखें एकदम से कूल लाइट आई है, और वीडियो में आप देखें कितना अच्छा इफेक्ट आया है इसका। तो ऐसे मेकअप करते हो जब इसको यूज करते हो तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। ये हमने वार्म कर दिया इसको, और ये कूल, और ये न्यूट्रल,
तो ये तीन जो है इसके वो हैं, और तीनों में देखें आपको फेस डिफरेंट नजर आएगा, वाइट में ऐसा, न्यूट्रल में ऐसा और वार्म में ऐसा, तीनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वो देते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से जो है इसकी सेंसिटी उसको बढ़ा सकते हो, यहाँ से कम कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से जितनी आपको चाहिए, ये देखें। और उसके अलावा यहाँ पे पावर ऑफ, इसको मैं फुल कर दूँ जरा, उसके बाद फिर मैं आपको पावर ऑफ। और इसकी क्वालिटी ना काफ़ी अच्छी है, हालांकि मैंने इससे पहले काफ़ी पहले वैनिटी ली थी जब मैं G13 में थी, तो वो मेरी उसकी वायर ख़राब हो गई थी और जंग लग गया था जो उसका वो होता है ना जैक उसके अंदर, और यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हो। कितना सिंपल है इसका यूज़ करना देखें, और कितनी क्लासी लग रही है। और इसके अंदर कितने बल्ब हैं, ये 4, 8 और 10 बल्ब इसके अंदर हैं, जो कि इनफ होते हैं आपके यूज़ के लिए। आप इसे सामने लगे होंगे तरीके से, उसके बाद जब आप मेकअप करोगे तो ये बहुत ही प्यारे लगेंगे। उसके बाद है रेमिंगटन का स्ट्रेटनर। काफ़ी लोगों को होता है कि आप रेमिंगटन का ओरिजिनल सामान कहाँ से मिलेगा, तो वो भी आपको दराज से मिल जाएगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। तो मैंने रेमिंगटन का स्ट्रेटनर लिया था दराज से, पर्सनल ओरिजिनल स्ट्रेटनर है, आपको नजर भी आ रहा होगा, रोटेटिंग कॉर्ड है इसके साथ और लंबी वायर हमें मिल रही है साथ में इसके, जिसको हम आराम से कौन से यूज कर सकते हैं। हमने इसको ऑन कर लिया है। अब मैं इससे ना आपको अपने बाल स्ट्रेट करके दिखाती हूँ, आप देखिएगा इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। रेमिंगटन के स्ट्रेटनर की सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपके बालों को जलाते नहीं, क्योंकि इसमें सिरेमिक कोटिंग हुई होती है देखें, और एक ही दफा में जो है आपका बाल ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। आप साथ में टेलकॉम यूज कर ले या कॉम यूज कर ले तो उससे आपको ज्यादा अच्छी स्ट्रेटनिंग मिलेगी। देखें अभी हालांकि गर्म भी नहीं हुआ, बस मैंने कनेक्ट ही किया है खाली, तो मैं आपको ना एक पार्टिंग जो इसे स्ट्रेट करके दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि काफी लोग हैं जिनको रेमिंगटन की चीजें काफी पसंद है, मुझे भी पसंद है। और मैं आप लोगों को कहती हूँ, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो अच्छा इलेक्ट्रॉनिक, तो आप लोग रेमिंगटन ही लो, रेमिंगटन से बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। ये देखें आपको शाइन भी नजर आ रही होगी बालों के ऊपर, पता भी चल रहा होगा कि आपको बाल बिल्कुल भी नहीं जला, और आप देख लें बाल एकदम से स्ट्रेट हो गया। ये देखें हालांकि मेरा बाल हल्का हल्का गीला है, ये देखें जी बाल कितने अच्छे से स्ट्रेट हो गए। इसके अलावा बालों का शाइन भी नहीं गई, ना बाल जला है, जैसा बाल है नेचुरली बिल्कुल वैसा ही लग रहा है बाल हमारा, तो मजे से जो मेरा बाल स्ट्रेट हो गया। अब इसको बेक पे कर रही हूँ। उसके अलावा जो रोटेटिंग कर्लर होता है पिंक ऑटोमेटिक, वो भी आपको दराज से मिल जाएगा। ये जो क्लीन स्पंज है जो मैं फेशियल में यूज करती हूँ, आप लोग पूछते रहते हो कि आप ये कहाँ से लिए, ये कहाँ से लिए, तो ये भी आपको दराज से मिल जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, आप इससे फेशियल भी कर सकते हो, अपना मेकअप रिमूव कर सकते हो आप इससे इजिली अपना, बहुत ही सॉफ्ट है और फेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका लिंक लगा दूंगा, आप वो भी देख लेना। इसके अलावा ये वायरल प्रोडक्ट था, ये मैंने दराज से मंगवाया था, वो जो काफी वायरल है, जिसको पहन के बालों को लपेट के सो जाओ और सुबह उठो आपके बाल कर्ल हो जाते हैं। अभी मैंने इसकी वीडियो नहीं की थी, मैंने वीडियो के लिए ही मंगवाया था, क्योंकि आपको पता है मैं वायरल प्रोडक्ट पे वीडियो बनाती रहती हूँ, तो इसको आपने इसे पहनना होता है, और उसके बाद जो है आप इस अपने बाल लपेटोगे और उसके बाद जो है आप सुबह उठोगे तो आपके बाल ऐसे कर्ल हुए होंगे। आपने देखी होगी इसकी वीडियो, ये मैंने दराज से मंगवाया था और ये चाइना से शिप होकर आया था। इसके अलावा दराज की रिफंड पॉलिसी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मेरा एक प्रोडक्ट था जो सही नहीं आया था, तो दराज से आपको पता है ना जगह जगह पे स्टोर बने हुए, तो वो पूछते हैं कि आपका पार्सल किस एरिया में डिलीवर हुआ, तो मैंने बोला इस एरिया में, तो उन्होंने बोला आपसे 5 मीटर की दूरी पर ये हमारा स्टोर है, आप यहाँ पे जाए आपका पार्सल जो है वो रिफंड हो जाएगा। मेरा वो पार्सल रिफंड हो गया था, मेरे पैसे भी मुझे वापस मिल गए, तो मुझे दराज की इस चीज सबसे अच्छी लगती है। स्टोरेज बैग जो आप लोग पूछ रहे थे आप कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, इनका लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये शूज वाला स्टोरेज बैग है, और ये जिसमें मैंने सामान ठूसा हुआ है अपने घर शिफ्टिंग के दौरान, इतने काम आए, ये मेरे इतने काम आए, मेरा इतना सामान इनके अंदर आया, आप लोगों ने वीडियोस में देखा ही होगा, लेकिन मैं भी आपके लिए क्लिप दिखा दूंगी, आप लोग देख लेना। तो ये भी आपको दराज से मिल जाएंगे, मैं आप लोगों के लिए लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से जाके आप ये सारी यूजफुल चीजें ले सकते हो। इसके अलावा इतना सामान है जो मैंने दराज से मंगवाया, मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी अलमारियों में सामान भरा हुआ है, लेकिन आप लोग जो शुरू से मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैं बहुत सारी चीजें दराज से मंगवाती रहती हूँ। उसका रीजन यही है कि दराज जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर है, आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज दराज से मिल जाती है, इवन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, मोबाइल फोन, जो भी चीज आपको चाहिए ना सब आपको दराज से मिल जाती है। तो इसलिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट चीजें चाहिए होती है, मैं सोचती हूँ यहाँ वहां फिरने से बेहतर है डायरेक्ट दराज पे चली जाऊं और वहां से जो चीज ऑर्डर करनी है वो ऑर्डर कर लूं। मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रिलायबल और ईजी होता है, और मुझे ये भी टेंशन नहीं होती कि चीज खराब आ गई तो मैं उसको वापस कैसे करूंगी या मेरे पैसे जाए हो जाएंगे, जो चीज खराब हो जाती है वो चीज मेरी रिप्लेस हो जाती है। तमाम प्रोडक्ट्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप लोग वहां से जाके बाय कर सकते हो, ट्रस्टेड है, रिकमेंडेड है, दराज की सेल भी आ रही है 11/11, आप लोग उससे भी फायदा उठा सकते हो। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, और आप बताना कौन सा प्रोडक्ट जो है आपको सबसे ज्यादा यूनिक लगा, कमेंट जरूर बताना, मैं देखूंगी आप लोगों के कमेंट्स। इसके अलावा आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है दराज से शॉपिंग करने का, वो भी बताना, मैं आप लोगों के कमेंट्स पिन करूंगी। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।